520 से कब 5000 किलोमीटर में पैदल चल चुका था पता ही नहीं चला। नमस्ते, दिस इज योर बॉय यतिगौर और आप देख रहे हैं दी अनफोल्डिंग प्ले। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्टोरी शेयर करूं कि मैं अगली स्टेट में कहां वॉक किया और कितना चला और मुझे क्या क्या सीखने को मिला। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन माई जर्नी फर्स्ट। मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली में पैदल ट्रैवल करने वाला हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा मन था कि मैं ऋषिकेश से केदारनाथ जाना चाहता हूँ और मैं केदारनाथ के फिर ऊपर वासुकी ताल भी गया, उसके आगे तुंगनाथ गया और बद्रीनाथ पे मैंने फिर अपनी वॉक अराउंड 540 किलोमीटर्स के बाद ख़त्म करी। तो मुझे लगा कि आई थिंक अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब किसी और स्टेट में चल के देखा जाए। एंड जब मैं जर्नी कर रहा था तो वन थिंग आई रियलाइज दैट वॉज कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी एक रीज़न है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी वॉक नहीं करूँगा या फिर मैं इधर से ईस्ट टू वेस्ट वॉक नहीं करूँगा। बिकॉज अगर एक डेस्टिनेशन दिमाग में होती है तो ऑलरेडी उस डेस्टिनेशन के बारे में मैं इतना सोचने लग जाऊंगा कि मैं जितनी भी जगहें मैं क्रॉस कर रहा हूँ वो ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। सो आई थॉट इट इज़ मच बेटर कि मैं एक्चुअली में स्टेट में किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाऊँ और उसके बाद जितना हो सके मैं उस स्टेट को वॉक करूँ ताकि मुझे एक स्टेट के यूनिकनेस, कल्चर और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में पता चले। मेरा जो पहला वॉक मैंने 540 किलोमीटर्स का किया था वो वॉक रिलीजियस, कल्चरल या स्पिरिचुअल वॉक नहीं था मेरे लिए। इट वॉज अ वॉक ऑफ लाइफ दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी वॉक में सीखी है दैट इज पेशेंस, एक्सेप्टेंसी। बिकॉज जितना पेशेंस आदमी के पास होता है उतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशली एक्सेप्टेंसी इज अ वेरी बिग थिंग दैट आई लर्न इन माई जर्नी। बिकॉज टू क्वेश्चन थिंग्स, टू आर्ग्यू विद थिंग्स एट टाइम्स इट इज़ नॉट गुड। At times it is just better to accept things as how they are. उत्तराखंड में मेरी वॉक बहुत ही मैजिकल वॉक रही थी। ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी शेयर किए हैं विच इज़ आउट ऑफ द मार्क। एंड दैट इंटायर जर्नी इज एक्चुअली अ गॉडली जर्नी। इतनी सारी चीज़ें देखने को, समझने को मिली थी और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं देख तो पाया बट अभी मैं शायद उतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं उन्हें मेंटली और फिजिकली समझ सकूँ। मैंने अपना जब ये पहला उत्तराखंड में वॉक किया था तो मैं इतना प्रिपेयर नहीं था बिकॉज यूजुअली मैंने इससे पहले मोस्टली ट्रैक्स किए थे, छोटे छोटे ट्रैक्स किए थे, इतने मुश्किल ट्रैक्स भी नहीं किए थे, कोई एक्सपीडिशन या फिर 7 days 8 days ट्रैक्स नहीं किया था। बट वॉकिंग वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मी, वॉकिंग इज लाइक अ थेरेपी टू मी। मुझे लॉन्ग वॉक्स लेने की बचपन से ही आदत रही है। आई रियली लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स ईयरफोन लगा के और एक लंबी एक वॉक लेना जितना भी वो हो सके, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। पर ऑफकोर्स वो जर्नी स्टार्ट करने से पहले या इन फ्यूचर मैंने जितनी भी जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने मेक श्योर किया था कि मैं ऑलरेडी फिट हूँ, ऐसे ही वॉक नहीं चालू कर रहा हूँ। बिकॉज मैं ऑलरेडी इतना फिट था, मैं जॉगिंग भी करता था, वॉक भी करता था, दैट इज़ वाई डिसाइडेड कि वॉकिंग इज़ वन ऑफ माई बेस्ट स्ट्रेंथ। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हो और वॉकिंग आप एक ऑप्शन ले रहे हो, प्लीज़ कंसिडर योर फिटनेस एज वेल। अगर आप उस टाइम पे उतने फिट नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उससे पहले थोड़ा टाइम अपनी ट्रेनिंग में लगाओ, जॉगिंग करके, वॉकिंग करके और स्पेशली वेट कैरी करके, ताकि आपको वॉकिंग में इतनी प्रॉब्लम ना हो। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड वाइल वॉकिंग वॉज ऑफकोर्स द लगेज, बिकॉज आदत नहीं होती है इतना लगेज कैरी करने के लिए। मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वॉक में मैंने जब अपना लगेज कैरी किया था वो अराउंड 12 से 12.5 किलो का था, जिसके अंदर एक कैंप, स्लीपिंग बैग, सर्दी के कुछ कपड़े और कुछ गर्मी के कपड़े थे। मैं अपने साथ खाना कभी भी कैरी नहीं करता हूँ, मैं यूजली खाने के लिए लोकल्स पे या शॉप्स पे डिपेंडेंट रहता हूँ। स्पेशली टेम्पल्स, आश्रम, गुरुद्वारा ऐसी जगहें हैं जो खाना एक्चुअली में फ्री में सर्व करती हैं और ये मेरी जर्नी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रही है मुझे आगे चलाने के लिए। एंड काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मैं कैंप करके काफ़ी साधुओं के साथ रुका हूँ एंड उन्होंने मुझे खाना खिलाया। सो खाना एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्चुअली में मोस्टली कैरी करके नहीं चलता हूँ, मैं मोस्टली लोकल्स या फिर आश्रम से, टेम्पल्स या फिर शॉप्स पे मोस्टली डिपेंडेंट रहता हूँ। बट आप अगर कभी भी चल रहे हो तो द बेस्ट हैक इज़ आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव सर्टेन काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स
और उसके अलावा अगर आप कुछ मेनली रखना चाहते हो ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, स्पेशली वॉकिंग के लिए, तो जैगरी इज वन मेन ऑप्शन। जैगरी, जिसे गुड़ भी बोला जाता है, वो आपको इंस्टेंट कैलोरीज देता है जिससे इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। बट मेक श्योर अगर आप जैगरी कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपका गला काफी सुखाता है और पानी काफी ज्यादा लेता है। प्लीज मेक श्योर कि आप गुड़ खाते हुए पानी ज्यादा पी रहे हो हमेशा। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत थी कभी कभार मुझे आई थी, वो कैंपिंग करने की थी, बिकॉज मैं हर जगह पे भी कैंप नहीं कर सकता था। इंडिया में यूजली कैंपिंग करना मना नहीं है, बट काफी ऐसे एरियाज होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया के अंडर आते हैं और आर्मी एरिया के अंडर आते हैं, जिसमें हमें परमिट या फिर एक परमिशन की जरूरत पड़ती है। और स्पेशली वॉक करते हुए जब मुझे खुद नहीं पता है मैं अगले दिन कहाँ पे जाने वाला हूँ, तो परमिट लेना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। तो ऐसे टाइम पे मैं मंदिर या आश्रम में रुकता था या फिर किसी लोकल के घर पे रुकता था। इन एवरेज अगर देखा जाए तो मेरा महीने का जो खर्चा था वो करीब 15,000 से 18,000 पड़ रहा था, बिकॉज मेन जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है वो ट्रांसपोर्टेशन, फूड और बेडिंग होती है। ट्रांसपोर्टेशन मेरा नहीं लग रहा था बिकॉज मैं वॉक कर रहा था। फूड वॉज दी मेन थिंग जिसपे मेरा सारा पैसा खर्चा हो रहा था, और कभी कभार स्टे पे, बिकॉज कभी ऐसा टाइम भी आता था कि मुझे लगता था कि रूम या होटल या गेस्ट हाउस ले लेना चाहिए बिकॉज मैं काफी ज्यादा थक गया था। एंड इट इज मच बेटर टू गिव रेस्ट टू माई बॉडी रादर देन फोर्सिंग इट, ताकि टोल बॉडी पे ज्यादा ना पड़े और मैं लंबे टाइम के लिए चल सकूं। उत्तराखंड में वॉक करने के बाद मैं सिर्फ मेंटली और फिजिकली ग्रो नहीं हुआ था, मेरी स्किल्स वाइल्ड लाइफ में, कैंपिंग में काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में रियलाइज होती हैं, जब आप कैंप कर रहे होते हो उस टाइम पे नहीं पता होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, विसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप स्पेशली कहीं भी वाइल्ड लाइफ में कैंप कर रहे हो, क्योंकि वो जितने भी ग्राउंड एनिमल्स हैं उनको दूर भगाता है, जिसमें से स्नेक्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा मेन है, बिकॉज वो ग्राउंड कनेक्टेड एनिमल्स होते हैं। बिकॉज विसल की जो पिच है वो इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसकी वाइब्रेशन से इंसेक्ट्स या फिर किसी भी टाइप के छोटे रेप्टाइल्स होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर अगर आप कभी भी अकेले कहीं पे कैंप कर रहे हो तो आप हमेशा कैंप में एक बार चेक जरूर रखो कि वो चारों हर साइड से बंद है, बिकॉज कीड़ा या कोई सांप घुसने का हमेशा डर होता है, स्पेशली अगर रेन हो रही है तो। टू डील विद स्नेक इज अ रियली डिफरेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेंजरस मुझे इनकाउंटर हुआ है वो स्नेक्स का ही हुआ है, बट अगर आप कभी भी जाते हो किसी भी टेरेन पर जाते हो, उससे पहले आई वुड रिकमेंड यू टू स्टडी व्हाट काइंड ऑफ स्नेक्स आर देयर। एक जो फैक्ट है जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो ये है कि 70% or 80% ऑफ द टाइम जब भी एक स्नेक बाइट होता है तो वो वेनम नहीं रिलीज करता है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, बिकॉज स्नेक का जो वेनम है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, वो बार बार रीस्टोर होता है एक ह्यूमन स्पर्म काउंट की तरह। तो यूजुअली स्नेक जब भी आपको बाइट करता है तो वो आपको डराने के लिए करता है, ना कि एक्चुअली में आपको पॉइजन करने के लिए, बिकॉज दे यूज दैट वेनम टू हंट एट नाइट। इसके अलावा अगर कोई मेन चीज थी तो मेरी डाइट थी, मोस्टली जो मैं डिपेंडेंट था वो राइस और दाल या ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट था। राइस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच इज देयर दैट आई कैन ईट, काफी ज्यादा प्रोटीन मिलता है उससे और काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है नेक्स्ट डे के लिए। आफ्टर दिस होल वॉक आई वॉज रेडी अगेन टू वॉक इन अ डिफरेंट प्लेस, इन अ डिफरेंट टेरेन, पर इस बार मैंने डिसाइड किया था कि मैं हिमालय पे नहीं बल्कि प्लेन पे चल के देखूंगा, बिकॉज सर्दी का टाइम आ गया था। 1st January 2021 वो टाइम है जब मैंने राजस्थान में अपना वॉक चालू किया था। बट मैं राजस्थान जब पहुंचा तो मैं वहां से कहां गया, मेरा क्या रूट था, मैंने क्या देखा, क्या सीखा, ये मैं आपको बताऊंगा कल एक नए एपिसोड में। जाने से पहले प्लीज वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। सी यू नेक्स्ट टाइम।